नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बात करते हैं सिंगरौली की, जहां जिले के विद्युत विभाग की मनमानी से आए दिन लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सरई तहसील अंतर्गत गन्नई ग्राम के तेंदुआ टोला में देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज दो महीने से दो ट्रांसफर जल चुके हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, सूख भी गई है, कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगा दी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बिजली की समस्या लेकर दो महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसके पहले भी अक्टूबर महीने से लगातार ट्रांसफार्मर, हर महीने में एक ट्रांसफार्मर जल रहा है, लेकिन दो महीने पहले था तो लग भी जाता था एक एक महीने के अंतराल में, लेकिन इस बार लगातार दो महीने से कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा। पूरा गांव अंधेरा है, पूरा फसल सूख गया है, पूरा देखने लायक नहीं, पूरी फसल एक किनारे से साफ हो गई। समस्या है, हमारे गेहूं फसल जल गया पूरा। अब ट्रांसफार्मर के बारे में जी साहब को 35,000 रुपया दिया गया, ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अच्छा, बीच में फिर कहीं हम कहन कि भाई 4-5 बार जल गया तो हमको दे दो 63, कहीं हाँ देव। लास्ट में 25 का लेके गई तो हम लौटा दिया, हम कहीं 25 कब नहीं लगेंगे, फसल तो मर गया, अब लगाने से क्या जरूरी, हमको मिलेगा तो 63 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रहने दो। अभी एक जो कुछ गांव के निवासी आए थे, उनको चीठी का जो ट्रांसफार्मर है वो वर्तमान में वो बंद है, तो उसकी जो यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी उनको निर्देश किया कि वो तत्काल उसमें जांच करेंगे, उसमें जो आपूर्ति कैसे उनको प्रदाय की जा सकती है उसकी कार्रवाई तत्काल हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे सिंगरौली की, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन यहां लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो खासा परेशान यहां नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दो महीने से ट्रांसफार्मर जल गया और बिजली की समस्या का जो समाधान है वो अब तक नहीं हो पाया। कई बार यहां के ग्रामीण प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जब यहां प्रदर्शन किया गया, लोगों की तरफ से सड़क पर आए, जब सड़क पर नजर आए लोग और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो कलेक्टर यहां आए और उन्होंने समस्या सुनी और उसके बाद महज आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर या फिर किसी तरह का एक्शन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लिया नहीं गया है। पूरा मामला क्या है उसको भी जानने की यहां पर कोशिश करेंगे संवाददाता से। और ऐसे में तमाम तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और ये कोई पहली समस्या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले भी सामने आ चुके हैं और समस्या भी यहां पर सामने आ चुकी है, लेकिन जो समस्या का समाधान है और प्रशासनिकों का यहां पर ढीला रवैया निकलकर सामने आता है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहां खड़े कर देता है। और ऐसे में इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की हीला हवाली के चलते, क्योंकि जो सामना करना पड़ता है परेशानी का वो आमजन को करना पड़ता है। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता संतोष द्विवेदी जुड़ गए हैं। संतोष, पहले तो आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, और अगर इस तरह की परेशानी यहां पर हो रही है तो क्यों कोई भी जनप्रतिनिधि समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं आता? जी, ये मामला सरई क्षेत्र का है, गन्नई गांव है, वहाँ के एक टोले का ये हमारी ग्रामीणों से मुलाकात हुई, उनने बताया कि ये जो है लगभग 2-3 महीने की समस्या है इनकी, और इन्होंने कई बार निवेदन किया विद्युत विभाग में, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, बस सिर्फ आश्वासन। वजह क्या बताई जाती है कि आखिर क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? जी, संतोष, वजह क्या बताई जाती है? वजह ये हमारी एमपीपी अधिकारियों से बात, उन्होंने कहा कि इनको जितना केबी का ट्रांसफार्मर चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है, जैसे आएगा मुख्यालय से लगवा दिया जाएगा। संतोष, अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं ट्रांसफार्मर जल गए और ऐसे में बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, अब आगे अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों की तरफ से किस तरह का एक्शन यहां पर लिया जाएगा, क्या किस तरह की प्रतिक्रिया उनके निकलकर सामने आ रही है? ये सभी ग्रामीण आए थे कलेक्टर से मिलने कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए, विधायक से ये लोग मिले थे, विधायक ने भी, वहाँ के स्थानीय विधायक है सुभाष वर्मा, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी, तो ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे क्या रिकवर नहीं किया गया यहाँ पर?
नहीं, चूंकि वहाँ ज्यादा केवी की आवश्यकता है और उतना एमपीबी अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी स्टॉक में उपलब्ध नहीं है, जैसे आएगा इनको लगवा दिया जाएगा जी। तो जितना स्टाफ उपलब्ध है क्या उसमें काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऐसे तो परेशान जनता हो रही है, फिर जनता आगे क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कम केवी का, कम भार क्षमता का वहाँ पहले लगा था, जो उस भार क्षमता का लगाते हैं ट्रांसफार्मर तो जल जाता है, क्योंकि वहाँ मांग ज्यादा है और उतने पावर का ट्रांसफार्मर अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो जनप्रतिनिधियों का रवैया किस तरह से निकल कर सामने आता है, सीधा मना कर दिया जाता है विद्युत विभाग की तरफ से कि हमें काम करना ही नहीं है, या फिर किसी तरह की मनमानी यहाँ पर चलती हुई नजर आती है? अब तो ये यही कहा जा सकता है विद्युत विभाग की मनमानी है, क्योंकि हमारी बात हुई विधायक, स्थानीय विधायक सुभाष वर्मा है उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे ग्रामीण मुलाकात हुई थी, उनसे ग्रामीणों ने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि हमने बोला है विद्युत विभाग के अधिकारियों को, उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे आएगा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा जी। असंतोष समस्याएं कई होती है, उसका समाधान जनप्रतिनिधि नहीं निकाल पाते, और निकाल इसलिए नहीं पाते क्योंकि जिस चीज के लिए उनका चयन किया गया है वो काम करने में वो हीला हवाली करते हैं। ऐसे में यहाँ पर विद्युत विभाग की इस तरह की लापरवाही और मनमानी सामने आ रही है, क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा? अभी तो ये स्थानीय परेशान है वहाँ के रहवासी जी, और विद्युत के लिए तो क्या कहा जाए, हमारे तो जो बात हुई तो उन्होंने हमसे भी आश्वासन दिया इनकी समस्या का समाधान कराया जा रहा है जी। संतोष, यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों का रवैया तो ढीला सा निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी आगे किस तरह का यहाँ पर एक्शन उन लोगों की तरफ से लिया जा सकता है? ग्रामीणों ने कहा कि ये हमारी समस्या, ठीक है, मैं संतोष आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रामचरित जी जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं। राम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। पहला सवाल आपसे यही कि आपके संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक को कई बार कंप्लेन की जा चुकी है कि पिछले 2 महीने से ट्रांसफार्मर चला और इसमें बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, सर वजह जान सकते हैं कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ऐसी बात तो है नहीं, मगर जहाँ तक मेरी जानकारी में, विधानसभा मेरा देवसर है और विधानसभा स्तर की बात, जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो समय सीमा जरूर, मतलब हमने 2 बार ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं। कारण क्या है कि जो लाइन बिजली कैपेसिटी, जो पावर ज्यादा ट्रांसफार्मर केवी का चाहिए था, जो 25 केवी का है उसको 63 का करना था, ऐसी स्थिति में बार बार जल रहा है, जो कि और हमने इस विषय पर चर्चा की थी और क्या है कि हमारे यहाँ एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की बैठक नहीं हो पा रही, हमने एक प्रोजेक्ट बना के तैयार किया जाए 25 केवी का है, वहाँ 63 किया है, जहाँ 63 केवी के 100 केवी के, हमने अपने विधानसभा का पूरा एस्टिमेट बना के रखा हुआ है। कारण हमारे जिले में जो प्रभारी मंत्री होते हैं, अनुमोदन होता है, उस प्रक्रिया के कारण थोड़ा सा अभी रुका हुआ था। जहाँ तक ट्रांसफार्मर, हम 2 बार जल गए, आप ग्रामीण अंचल अगर आपके मीडियाकर्ता अगर होंगे तो जरूर ये विषय आयोग, बिजली की समस्या कहीं नहीं आ रही है, लगातार हम लोग हर एक एक पल की चिंता करते हैं, रोज ग्रामीण जनता से चिंता आप लोग कर रहे हैं और वो दिखाई भी दे रही है, क्योंकि पहले तो आपने कह दिया कि इस खबर के बारे में आपको जानकारी नहीं और उसके बाद आपने पूरा विस्तार से यहाँ पर समझा भी दिया है कि आखिर समस्या कहाँ पैदा हो रही है। बात अगर यहाँ पर की जाए इस समस्या का समाधान कब निकल जाएगा, क्योंकि 2 महीने से यहाँ के जो ग्रामीण है वो परेशान है। मैं बहुत जल्द, मैं अभी जांच करके भी तत्काल में बात करके भी आप, ये बहुत जल्द ही तत्काल में समस्या का समाधान करता हूँ। तो सुभाष जी, तत्काल क्यों? 2 महीने पहले यहाँ ट्रांसफार्मर जला, ठीक है बिजली की यहाँ पर जो सप्लाई है वो जरूरत नहीं, ट्रांसफार्मर 2 महीने नहीं जला होगा, आप अगर पता करके, आप मुझे जो जानकारी अभी 2 महीने की ऐसी बात नहीं, तो हमने 15 दिन पहले ट्रांसफार्मर लगा, 15 दिन पहले ही ट्रांसफार्मर लगाया वहाँ पे। 15 दिन की समय सीमा जो होती है क्या वो कम होती है? नहीं, 15 दिन पहले लगा था, अब जल गया होगा, मुझे जानकारी, पावर कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण जो जहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर ज्यादा बड़ा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ संवाददाता भी यहाँ बने हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि हमारे संवाददाता आपसे बात करें। जी संतोष, संतोष आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंचे। आपने भी सुना विधायक जी ने क्या कुछ कहा, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे बात करें, और आपने बताया है कि उनके संज्ञान में ये मामला है, तो एक बार फिर आप उनके संज्ञान में लेकर आए मामला। हो सकता है इनके ध्यान में ना हो, ये लगभग 2 महीने पहले की घटना है, हमारे पास तो ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने पहले ये ट्रांसफार्मर जला था और ये कम भार क्षमता का इनके यहाँ
जबकि वहाँ मांग ज्यादा है जी। तो हो सकता है क्योंकि बड़ा विधानसभा है इनके ध्यान में ना आया हो, जबकि ग्रामीणों से बात थी, उन्होंने कहा कि हमने विधायक के संज्ञान में ये बात डाली थी। ठीक है, संतोष बने रहिए। सुभाष जी आपने सुना? जी जी मैंने सुन लिया। मुझे जो जानकारी, मैंने कहा कि 2 महीने पहले की जो बात होगी, मैंने ट्रांसफार्मर चेंज कराया। आप जानकारी स्तर पे हमारे बिजली विभाग के अधिकारी जो जेई हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और की, जब ग्रामीणों की तरफ से शिकायत की गई बिजली विभाग में, तो उनका कहना है कि स्टाफ कम है और स्टाफ की कमी के चलते हम काम नहीं करेंगे। क्या ये रवैया ठीक है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्टाफ की पूर्णतः हम लोग उस पे एडाप पे हमने लोगों के लिए एक कंपनी के माध्यम से, और जो कि काम की अगर दिक्कत आ रही है तो हम इसकी चिंता जरूर कराएंगे, आवश्यकताओं को पूरा कराएंगे। जो कि कारण 15 दिन की बात है, हमारे विधानसभा सदन चल रहा था उस समय, हम भोपाल किसी कारण से आगे होंगे, मगर हम ट्रांसफार्मर चेंज कराए भार क्षमता के कारण ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कम था। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपसे उम्मीद भी यही करते हैं कि आप जल्द ही इस समस्या का समाधान करें ताकि ग्रामीणों को की जो परेशानी है उससे जल्द ही निजात मिल सके। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर संवाददाता संतोष का रुख करेंगे। संतोष, यहां पर तमाम तरह की परेशानी निकलकर सामने आ रही है। विधायक का ठीक है, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं होगा, लेकिन अब संज्ञान में आ चुका है। समस्या को भी यहां पर एक लंबा समय हो चुका है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। अब आगे इसको किस तरह से देखा जाए या फिर ग्रामीणों की तरफ से किस तरह का एक्शन यहाँ पर उठाया जा सकता है? जी जी, हमारी जिस तरह ग्रामीण कलेक्टर से मिलने आए, हमारी बात थी उन ग्रामीणों से, उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं कलेक्टर से मिलने, यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे। जी जी, अब आगे की इस तरह की समस्या की ये पहली बार हुई है, क्योंकि विधायक का कहना है कि यहाँ पर जो ये परेशानी हुई है, 15 दिन पहले ही ट्रांसफार्मर लगाया गया और उसके बाद एकदम से जल जाना, यानी कि बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही, कुछ खामी या तकनीकी है? नहीं, कहीं ना कहीं तकनीकी हो सकती है, क्योंकि जितनी भार क्षमता की उनको आवश्यकता है उतनी ट्रांसफार्मर नहीं मिल नहीं पा रहा, जैसा हमको बताया अधिकारियों ने। जी, तो फिलहाल अभी किस तरह से समझा जाए, क्या इस तरह की हीला हवाली पहले भी निकलकर सामने आती है विभाग के? कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इसमें समझ में आ रही थी। जी, तो यहाँ पर किसी तरह की, जैसे आपने बताया कि, और ऐसे में विधायक जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो परेशानी है कोई पहली दफा नहीं आई है और इससे पहले भी निकलकर सामने आई, क्या उस समय भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन नहीं लिया गया, यदि एक्शन लिया गया होता तो ये समस्या समाधान वो तुरंत हो जाता। जी, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर मैं संतोष आपके पास लौटूंगी। सिंगरौली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विद्युत विभाग की मनमानी से आए दिन लोग परेशान रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सराई तहसील अंतर्गत कनई ग्राम के तेंदुआ टोला में देखा जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने बताया है कि आज 2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसको रिकवर नहीं किया, जिस वजह से ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सूख गई है, कई बार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। वहीं तेंदुआ के ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्या के बारे में भी अवगत कराया, जिसके बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है, लेकिन आश्वासन के बाद अभी भी जिस तरह से विधायक, जो हमारी बात हुई तो विधायक सुभाष रामचरित का साफ तौर पर कहना है कि समस्या संज्ञान में उनके मामला तो आ चुका है, लेकिन जो समस्या है वो 15 दिन पहले ही यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया गया था और जल्द ही समस्या का निराकरण यहां किया जाएगा ताकि ग्रामीणों की जो परेशानी है उससे जल्द ही निजात मिल सके। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली की, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तो सिंगरौली जिले के विद्युत विभाग के मनमानी से आए दिन लोग परेशान रहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरों में है, जहां सराई तहसील अंतर्गत गन्नई ग्राम के तेंदुआ टोला में साफ तौर पर देखा जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि आज दो महीने से दो ट्रांसफर चले हुए हो चुके हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके चलते कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें कि सिंगरौली से यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से ग्रामीण जूझते रहेंगे और इस तरह की समस्या उनके सामने आती रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है और रुक करते हैं सिंगरौली की खबर। आपको बताते हैं जहां सिंगरौली में तमाम तरह की परेशानी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो रवैया निकलकर सामने आ रहा है वो साफ तौर पर लापरवाही की तस्वीर दर्शाता है। संवाददाता से लगातार हम वहां की रिपोर्ट जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में हमारे साथ रहवासी रामधनी जी जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरह की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। रामधनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दो महीने से यहां पर खबर इस तरह की मिल रही है कि ट्रांसफार्मर खराब है और ऐसे में बहुत सी परेशानी जाहिर सी बात है कि आप लोगों को हो रही है, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े तो आपसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या से आप लोगों को जूझना पड़ता है। जी मैम। जी रामधनी जी, समस्या ये थी मैम कि हम लोग गांव से किसान करते हैं, गांव में हम लोग किसान लोग हैं। किसान ही हम लोगों की बिजली पर निर्भर रहता है जी। और बिजली की ट्रांसफार्मर जो है जले लगभग 2-2.5 महीने हो गया और लगातार हम लोगों ने बिजली ऑफिस जाकर के अपनी समस्या का अवगत कराते रहे। रामधनी जी, जिस तरह से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है और ऐसे में खबर ये कि ट्रांसफार्मर जल गया, कितना समय इस चीज को हो चुका है? समय 2.5 महीना। तो 2.5 महीने से क्या कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का अधिकारी यहाँ मैदान में नहीं आया और इस तरह से किसी ने पूरे मामले पर संज्ञान लेने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो देखिए कोई नहीं आया यहाँ आज तक जी, बल्कि हम लोग उनके यहाँ ऑफिस तक पहुँच करके अपनी समस्या का लगातार उनको। और विद्युत विभाग का कर्मचारी कोई आप लोगों के पास आया? कोई विद्युत विभाग कर्मचारी नहीं आया। रामधनी जी, जिस तरह से परेशानियां निकलकर सामने आई, क्या विधायक के संज्ञान में ये पूरा मामला है? क्योंकि विधायक से अभी हमारी बात हुई तो विधायक ने कहा कि इस तरह से कोई मामला नहीं है, 15 दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया और अगर जल गया है तो उस तरह से कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है अभी तक। नहीं, उनको लिखित कोई लेकर हम लोग नहीं यहाँ से समस्या नहीं दी थी मैडम जी। फोन तो ठीक है रामधनी जी, अब आप लोग किस तरह से एक्शन यहाँ उठाएंगे? क्यों जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधने की तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा सुनते ही या तो कैमरे के सामने बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। तो अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आप लोग क्या एक्शन उठाएंगे आगे जाकर? मैडम जी, अभी तो आज हम लोगों को समस्या ट्रांसफार्मर तो लग रहा है, अभी लग गया है। और जो रही बात हम लोगों की फसल की जो नुकसानी हुई है बिजली के चलते, उस पर हम लोग मैडम जी अभी एक्शन लेंगे। हम लोगों के किसान आदमी का जो खेती नष्ट हुए है उसकी जिम्मेवार कौन होगा? उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। एक आखिरी रिएक्शन मैं एक और लेना चाहूंगी रामधनी जी की, जब आप लोग यहाँ पर विद्युत विभाग के पास गए, अपनी परेशानी सुनाई, तो उन लोगों का रवैया किस तरीके से निकल कर सामने आया? जितने बार हम लोग बिजली ऑफिस गए मैडम जी, खाली जेई को हम लोग निवेदन करते रह गए। जेई महोदय के द्वारा लगातार हम लोगों को धमकाने की कोशिश किया गया कि आप हम जितने दिन में आप हमारे घर की ट्रांसफार्मर नहीं है, हम भी एक कर्मचारी हैं, जब हमको मिलेगा तब लगाएंगे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया, मतलब कहा जा सकता है कि उनकी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ देखने को मिली है। जी, लापरवाही उनके साथ। बिल्कुल रामधनी जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की जानकारी आपने साझा की, परेशानी जिनसे आप भी जूझ रहे हैं वो साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने संवाददाता संतोष द्विवेदी का रुख करेंगे। संतोष, यहाँ पर विधायक से भी बात हुई और ग्रामीण से भी बात हुई जो इस तरह की परेशानी जूझ रहे हैं, विधायक का क्या कुछ कहना वो भी आपने सुना और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना वो भी आपने सुना। इस बीच अगर ग्राउंड जीरो से देखा जाए तो ग्राउंड जीरो में आप मौके पर उतरे हैं, वहां की रिपोर्टिंग की है, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से वाकई में निकलकर सामने आई, कौन सही है, यहाँ ग्रामीण जो परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर विधायक? नहीं, ग्रामीण सही है। ग्रामीण क्योंकि हम लोग गए थे वहाँ, मैं गया था इस पास पर, देखा इनकी फसलें सूख गई हैं, ये लगातार कई बार
विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास गई है, तो इनको जैसा ये ग्रामीण बता रहे हैं ऐसा ही हमसे भी उन्होंने बताया कि इनसे ऐसा ही बिहेव किया, ऐसा भी व्यवहार किया अधिकारी कि हम तुम्हारे घर नौकर नहीं दबाएगा, लगा दिया जाएगा। हमारी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में जैसे आएगा लगा दिया जाएगा, लेकिन चूंकि इनकी मनमानी जारी है विद्युत विभाग के, आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। बिल्कुल संतोष, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और इस खबर पर आप नजर बनाए रखे, आपसे और भी अपडेट आगे जाकर लेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन लिया भी गया है या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सिंगरौली से खबर आपको बता रहे, जहां सिंगरौली जिले के विद्युत विभाग की मनमानी सामने आई है, आए दिन लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण सरई तहसील अंतर्गत गन्नई ग्राम के तेंदुआ टोला में देखा गया, जहां पिछले 2-2.5 महीने से बिजली नहीं आ रही है, बिजली की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है और में तमाम तरह की परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों ने जब दरकार लगाई प्रशासनिक अधिकारियों की से, तब कहीं ना कहीं लापरवाही की तस्वीर निकलकर सामने आई। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए जीएनएन के साथ। नमस्कार।